खवातीन हज़रात, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपके लिए आपकी सेहत के बारे में मालूमात पेश कर रही है, जिसके ज़रिए आप अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। आज हम आपको एक विटामिन ए के बारे में बताना चाहेंगे। विटामिन ए जो है उसको विटामिन ए रेटिनॉल भी कहा जाता है और ये मुख्तलिफ फूड्स में प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर यानी कि एनिमल ओरिजिन के अंदर जो फूड है उसमें भी पाया जाता है और नबाताती फूड में भी मौजूद होता है। इसके जो ज़रूरत है वो आँखों को यानी कि रेटिना को ज़रूरत होती है, अगर जो कि अगर कमी हो जाए तो नाइट विजन और कलर विजन के अंदर प्रॉब्लम पैदा होते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है, विटामिन ए की डिस्कवरी जो है 1906 में हुई, जबकि रिसर्च की जा रही थी एनिमल्स के ऊपर और उनकी डाइट के ऊपर, तो देखा गया कि इस की वजह से, इसकी कमी की वजह से एनिमल जो है हेल्दी नहीं रहते। तो उस पर जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि एक विटामिन है जिसकी कमी वाक़ होने से कुछ मसाइल पैदा होते हैं। सोर्सेज जो हैं उसके अंदर हम जो सबसे ज़्यादा जो है आमतौर पर जो खाने पीने में इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वो है लीवर। लीवर में बहुत अच्छी तादाद में विटामिन ए मौजूद होता है। उसके अलावा कैरेट, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, बटर, पम्पकिन, चीज़ और कैंटलोप, एग, एप्रिकॉट, पपाया, मैंगो, पी, ब्रोकली और मिल्क वगैरह में ये विटामिन पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी क्या मसाइल पैदा करती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है बहुत ही कॉमन है, तो नाइट ब्लाइंडनेस पैदा करती है। और इसके अलावा ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250,000 से 5,00,000 बच्चों में माल नरिशमेंट का प्रॉब्लम होता है और उनमें भी यानी कि विटामिन ए डिफिशेंसी पाई जाती है। तो इसके इसकी एक रिसर्च हम आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए आप इसकी बेहतर यानी कि अंदाज़ा आपको हो सकेगा। पाकिस्तान और बरतानवी रिसर्चर्स ने दावा किया है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को अगर दवाओं की सूरत में विटामिन ए के कतरे पिलाए जाएं तो उससे हर साल 6,00,000 बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी और पाकिस्तानी माहरीन ने 2,00,000 बच्चों पर मुश्तमिल 43 जायज़ा रिपोर्ट यानी कि 43 जायज़ा रिपोर्ट्स में जो मालूमात अक्स की हैं उनसे पता चलता है कि जिन बच्चों को इस विटामिन की खुराकें दी गई थी उनमें अमवात की शरह 24% 24% कम हो गई थी। माहरीन ने यह भी बताया कि विटामिन ए की सप्लीमेंट्स से खसरा यानी कि मीजल्स, इसहाल यानी कि डायरिया, दस्त की शिकायतें भी बहुत घट गई थी। वाज़ह है कि हमारे जिस्म को विटामिन ए की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमारी आँखों को, आँखों का और जिस्म की बीमारियों से महफूज रखने का निज़ाम मुनासिब तौर पर काम करता रहे। हमने पहले भी बताया कि ये जो विटामिन है किन किन अशिया में पाया जाता है और उनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आलमी इदारे सेहत ने तखमीना लगाया है कि दुनिया भर में 5 से कम उम्र के 19 करोड़ बच्चे विटामिन ए की कमी से दोचार हो सकते हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद दवाओं की सूरत में इस विटामिन की ज़रूरत बच्चों को फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। इस विटामिन से भरे कैप्सूल कम अज़ कम 60 कंट्रीज़ में साल में 2 मरतबा तकसीम किए जाते हैं और सालाना औसतन 80% यानी कि 80% बच्चों को इसके खतरे पिलाए जाते हैं।
تاہم آکسفورڈ یونیورسٹی اور آغا خان یونیورسٹی کے جن ریسرچر نے اس پروجیکٹ پر کام کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے لیے وٹامن اے اتنا مؤثر اور مفید ثابت ہوا ہے کہ ہر ملک کے سیاستدانوں اور پالیسی سازوں کو چاہیے کہ وہ خطرے سے دوچار تمام بچوں تک اس کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ ان ریسرچرز نے اپنی تحقیق کے دوران یہ دیکھا کہ وٹامن اے کے سپلیمنٹ سے کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کے بچوں کی شرح اموات میں 24% تک کمی آ گئی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ اس وٹامن کی کتنی اہمیت ہے اور اپنے بچوں کو اس وٹامن اے کے قطرے اور ان کے سپلیمنٹ دینے چاہیے تاکہ ان کی صحت بہتر رہ سکے، ان کی نشوونما ہو سکے، ان کے آنکھوں کے مسائل، دیکھنے کے مسائل پیدا نہ ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے اگر اس وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے تو بینائی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور قوت مدافعت یعنی کہ امیونٹی اگینسٹ انفیکشن یعنی انفیکشن سے بچاؤ کی طاقت بھی اگر یہ وٹامن کم ہو جائے جسم میں تو کم ہو جاتی ہے۔ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو ہم آپ یہ اگر آپ وٹامن اے کے سپلیمنٹ اپنے بچوں کو دیں گے تو آپ کے بچوں کی صحت بہتر رہے گی۔